हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त होस्ट विशाल सक्सेना स्प्रेडिंग हैप्पीनेस में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका मोटिवेशन मैनिफेस्टेशन कोच और बिजनेस डेवलपमेंट गाइड हूं। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, लर्निंग फ्रॉम वाटर, पानी से सीखें अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक को अगर हम आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सो दैट हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहें अपने वीडियोज़ का। एंड आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपने कमेंट्स दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए, हम वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मेरा आज का टॉपिक है कि पानी से सीख लें, बिकॉज ये टॉपिक इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज़ कवर्ड विद वाटर, और हमारी बॉडी में भी 70% पानी होता है। तो हम पानी से क्या सीख लेते हैं? सबसे पहले पानी से जो हम सीख लेते हैं वो लेते हैं हम्बलनेस, विनम्रता, कि हम बड़े हम्बल होना चाहिए, जिससे पानी हम्बल रहता है। आपने देखा है, पानी अगर ना हो ज़िंदगी में तो आपको कितनी सारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है, सूखा पड़ता है, आपकी बॉडी सूखने लगती है, आपके बहुत सारे हर चीज़ में पानी की एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मगर कभी आपने देखा है पानी अपने आप को ईगो में आके बोले कि मैं पानी हूँ, मेरे से मैं किसी को पानी नहीं जाऊँगा? पानी हमेशा फ्लो करता है बड़े लोअर लेवल पे, कभी पानी हाई लेवल पे नहीं करता, ज़मीन पे ही फ्लो करता है। पहाड़ों से भी आता है तो पहाड़ों से भी वो नीचे से लगा हुआ आता है, अर्थ से लगा हुआ पानी आता है। तो पानी इज़ ऑलवेज वेरी हम्बल, और वो अपनी हम्बलनेस बड़े शांत तरीके से लेता हुआ ओशन में जाके मिलता है या समुंदर में जाके मिलता है। कि पानी जो पहाड़ों से आता है वो कैसे आता है? एक फॉर्म ऑफ अ लेक आता है, एक फॉर्म ऑफ अ रिवर बनता है नीचे, और वो फ्लो करता हुआ जाता है। तो इसी तरीके से वो इतना हम्बल होता है कि पानी हर जगह से फ्लो करता है, और फाइनली जब ओशन में जाता है तो वहाँ पे भी वो हम्बलनेस ही दिखाता है। दे डू नॉट बिकम वेरी ईगोइस्टिक कि हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दुनिया में हमारे बिना कुछ नहीं चल सकता। तो पानी से पहली चीज़ हमने क्या सीखी? हम्बलनेस सीखी, विनम्रता सीखी, ईगो को हटाना सीखा। तो पानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि वी शुड बी ऑलवेज हम्बल, चाहे हम दुनिया में सबको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर वी शुड ऑलवेज रिमेन हम्बल इन आवर लाइफ। आप किसी भी बंदों को आप अपने साथ सपोर्ट कर रहे हैं या आगे लेके जा रहे हैं या उनको डेवलप कर रहे हैं, यू ऑलवेज रिमेन हम्बल। दूसरी चीज़ हम पानी से क्या सीखते हैं? पानी से हम ये सीखते हैं कि पानी, आपने देखा है कि वो हमेशा किसी से लड़ाई नहीं करता, वो अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। आपने कभी देखा है पानी तब आता है पत्थरों के बीच में से निकलता हुआ, या जंगलों में से लेक निकलता हुआ जाता है, कभी पत्थरों के ऊपर से निकलता है या साइड से अपना रास्ता बनाता है, उनको नहीं हटाता रास्ते से, वो अपना रास्ता एक अलग से बना के ले जाता है। वो बेसिकली होता है पानी का तरीका ऑफ अ फ्लो। तो अगर आप अपने आप को ज़िंदगी में देखें, यू लुक इनटू द सिचुएशन, वो सिचुएशन के हिसाब से पानी भी अपनी जगह बदल रहा है, अपना फ्लो ले रहा है। उसी तरीके से अगर आप भी पानी के समान लोकेशन, हमारा हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ हम चेंज करना चाहेंगे, जो आप चेंज नहीं कर सकते, और आप उसके लिए लगे रहते हैं कि चेंज करना है, उससे आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको एक डिप्रेशन होता है, आपको डिससेटिस्फैक्शन होती है कि मेरे से काम नहीं हो पा रहा। आप ऑफिस में देख लीजिए, आप ऑफिस में जब काम कर रहे हैं, आपके पूरा एनवायरनमेंट में ऑफिस में आप चाहते हैं मैं ये भी चेंज कर दूँ, वो भी चेंज कर दूँ, सब कुछ चेंज कर दूँ इमीडिएटली, मगर आप कर नहीं पाते। तो फाइनली क्या होता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंगर में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर रहे। तो थिंक लाइक अ वाटर, अडेप्ट टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। इनिशियली आपने जैसे पानी अडेप्ट करता है सिचुएशन को, आप वैसे पानी के समान अपनी सिचुएशन पहले अडेप्ट कीजिए। जब आप वो चीज़ें समझ के अडेप्ट करने लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़े प्रॉपर तरीके से एक स्मूथ फ्लो से चलती रहेगी, जैसे पानी स्मूथ फ्लो से जा रहा है और ओशन में मिलता है, क्योंकि बढ़ रहा है ना पानी, पहाड़ों से आया, ज़मीन पे आया, उसके बाद ओशन पे गया। वैसे आप भी एकदम आराम से उसी फ्लो में जाके आप एक बड़ा अपने लिए कुछ कर सकते हैं, राइट? सो हमने पानी से क्या सीखा? अडेप्टेबिलिटी भी सीख ली कि आप सिचुएशन को अडेप्ट कीजिए, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते उसको अडेप्ट कीजिए, और फिर उस सिचुएशन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपकी हर जगह हारमनी बनी रहेगी। तो हमने तीन चीज़ें पानी से सीखी, एक सीखा हम्बलनेस, एक सीखी अडेप्टेबिलिटी, एक हमने सीखा ईगो को बिल्कुल हटा के आगे ज़िंदगी में जाना। तो दोस्तों, पानी इज़ अ वेरी गुड टीचर, और पानी से आप सीख लें और ज़िंदगी में आपको हर एक चीज़ बड़े प्रॉपर तरीके से मिलेगी। जैसे मैंने कहा, पानी टेक्स केयर ऑफ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड, एंड हमारी बॉडी में भी पानी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। तो आप पानी से सीख लें और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से बिताएं और पॉजिटिव तरीके से बिताएं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हम आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।